तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो भी बहुत मज़ेदार वीडियो है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इंडिकेटर है आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीआर के यहाँ पे सिग्नल दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना नीचे यहाँ पे मार्केट आ गए है ना। और देखते हैं फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी सिग्नल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी आप कैप्चर कर सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। और देखते हैं फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नल दिया है और कितना नीचे है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो इंडिकेटर है उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल दिया कितना ऊपर गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह इंडिकेटर जो है ये काम करता है, और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया काम करता है ना। तो फ्रेंड्स वो जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो फर्स्ट से एकदम लास्ट तक देख लीजिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बोलेंगे भाई समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते कितना लंबा लंबा यहाँ पे कैप्चर हो रहा है ये इंडिकेटर की वजह से। यहाँ पे सिर्फ सिग्नल भी फॉलो करेंगे तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट दिन का निकल सकते हो आराम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इंडिकेटर मैंने हटा दिया था यहाँ से, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये प्लस का आइकन में जाना है ना। मैं सिंपली यहाँ पे जो प्लस का आइकन है यहाँ पे चला गया, उसके बाद इंडिकेटर जो है इसे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मैंने सेव कर रखा है। आपको क्या करना है, इधर ट्रेडिंग व्यू में जाके सिंपली इसको सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे BTC चार्ली बोल के है ना, जाके उसको सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपली आपको उसको सर्च कर लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया मैं बैग गए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सेटिंग है कुछ है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इंडिकेटर में क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे आपको इनपुट में जाना है। इनपुट में जाके आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 12, आपको क्या करना है उसको सिंपली यहाँ पे नो कर देना उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आप देख सकते हैं 25 है, ये 25 का जगह पे यहाँ पे आपको लिख देने का 16, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपली ओके दबा देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आपका जो इंडिकेटर है यहाँ पे रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल दिया मार्केट नीचे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल दिया मार्केट ऊपर गया, इतना प्रॉफिट नहीं दिया फिर भी प्रॉफिट दे के गए, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे कैप्चर हुआ हुआ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना नीचे मार्केट है ना। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल दिया, और SL आप फ्रेंड्स देख लीजिए एकदम छोटा सा SL है ना, अगर SL गया भी तो भी टेंशन लगे बिल्कुल जरूरत नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिग्नल दिया मार्केट ऊपर, उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल दिया मार्केट नीचे। तो फ्रेंड्स ये जो इंडिकेटर है ये इसी तरह काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बैक टेस्ट आपको जरूर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको समझ में नहीं आएगा ये जो इंडिकेटर ये काम कैसे करता है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल देता है, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ EMA का, मस्त यहाँ पे नीचे क्रैश हो गया मार्केट, ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे सोचिए आप कितना पॉइंट है, मैं आपको दिखा भी दूंगा ना फ्रेंड्स, आप मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको कितना पॉइंट है। अगर हम यहाँ से पकड़ते हैं है ना, यहाँ पे पकड़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए Nifty 50 का ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 92 पॉइंट एक ट्रेड में। फ्रेंड्स आप सोच सकते हो कितना अच्छा ये इंडिकेटर है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और चैनल में अगर नया आए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाय बाय।